नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शामली में बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह आज कैराना पहुंचे। कैराना से भाजपा प्रत्याशी मृगांका सिंह के समर्थन में कैराना में घर घर जाकर उन्होंने वोट मांगे। लोगों ने जोश खरोश में हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगाए। इस दौरान लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार स्वागत किया। बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना है, उत्तर प्रदेश में तुष्टिकरण को खत्म करना है, उत्तर प्रदेश में एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना है और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास करना है, तो फिर से एक बार यहाँ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनानी है। पश्चिम में 10 तारीख को चुनाव है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी की ओर से करबद्ध निवेदन करता हूं कि कहीं कोरोना के कारण हमारे कार्यकर्ता आप तक न पहुंच पाए तो आप भारतीय जनता पार्टी के ये 5 साल के परिश्रम, मोदी जी के 7.5 साल के परिश्रम को ध्यान में रखकर सुबह सुबह ही कमल के निशान पर बटन दबाकर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनाई। मित्रों, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे गन्ना किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मध्यम वर्ग हो या नोएडा में रहने वाले लोग हो, सभी लोगों की एक ही आवाज सुनाई पड़ती है कि इस बार भाजपा 300 पार। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियों ने अपने योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है। तो वहीं मेरठ के हस्तिनापुर सीट से कांग्रेस ने अभिनेत्री अर्चना गौतम को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना गौतम के पहनावे को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने स्वयं फेसबुक पर लाइव आकर अर्चना गौतम को ट्रोल कर रहे लोगों को जवाब दिया था। प्रियंका गांधी के समर्थन में आने के बाद अभिनेत्री अर्चना गौतम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रिहान आलम ने। मेरठ के हस्तिनापुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अभिनेत्री अर्चना गौतम ने ट्रोल करने वालों को कैसे जवाब दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। वहीं जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि 40% महिलाओं को टिकट देंगे, जिसमें मेरठ में 2 महिला प्रत्याशी को उतारकर उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हस्तिनापुर विधानसभा से अर्चना गौतम जी। अर्चना गौतम जी के बारे में बता दूँ कि अर्चना गौतम जी एक अभिनेत्री भी हैं जिन पर प्रियंका गांधी ने अपना विश्वास जताया है। आज प्रियंका गांधी जी ने अर्चना गौतम के लिए भी जनता से अपील की है, इसी पर खास बातचीत करेंगे अर्चना गौतम जी से कि आज कैसा लग रहा है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने उनके पक्ष में आकर लाइव दिया। जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड जी। अर्चना जी, कैसा लग रहा है कि आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने आपके फेवर में आकर लाइव दिया? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। बट ये जो दीदी आज लाइव आई हैं और दीदी ने मेरे बारे में बोला है, जनता से अपील की है, वो इसी वजह से कि जो दीदी ने एक नारा लगाया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसको एक स्ट्रॉन्ग करने की दीदी का एक प्रयास है जो दीदी ने किया है। जिस तरीके से हिंदू महासभा के लोग आपका विरोध कर रहे हैं, उसके बाद में प्रियंका गांधी का आपके पक्ष में लाइव आना, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो यही बोलना चाहती हैं कि देखिए मुझे ही क्यों बोला जा रहा है, और दीदी ने एक बात कही थी लाइव पे कि लड़कों को क्यों नहीं बोला जाता है। अगर मैं बात करूं एक्टर की, क्योंकि हमारे यहाँ के कुछ एक्टर भी हैं जो आज राजनीति में हैं, जिसमें से रवि किशन जी हो गए, मनोज जी हो गए, तो रवि किशन जी ने भी फिल्में की हैं और बहुत सारी चीज़ें की हैं। लड़कों पे क्यों नहीं बोला जाता है, लड़की पे क्यों बोला जाता है, महिलाओं पे क्यों बोला जाता है? जो दीदी ने बात की है आज लाइव पर आके, वो यही बोला है कि लड़कों को क्यों नहीं बोला जाता है, लड़कियों को ही टारगेट क्यों किया जाता है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसके बाद में जनता का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, जिस हिसाब से महिलाओं की बात करें, हाँ जी, जिस हिसाब से मुझे शेयरिंग हो रही है, मेरी सोशल मीडिया पे शेयरिंग हो रही है और महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं मुझे, वो भी बोलती हैं कि दीदी आप जो कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हैं। इनफैक्ट क्योंकि किसी ना किसी को तो बाहर आना ही पड़ता, तो उसकी शुरुआत मैंने की है। मैं बाहर आई हूँ, मैं बाहर निकली हूँ और अपने हक की लड़ाई लड़ रही हूँ, क्योंकि जितना हक दूसरों को है उतना हक ही मुझे भी है। तो आज जो मैं लड़ रही हूँ वो महिलाओं के लिए लड़ रही हूँ, महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए लड़ रही हूँ, और जो दीदी का जो नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं आगे आई हूँ।
आपने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है, उसके बाद में अपने बॉलीवुड में अपना करियर बनाया, फिर ये अचानक राजनीति में आने का क्या कारण रहा? देखिए, मैंने जर्नलिज्म मैंने BGMC किया है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। मैं मीडिया की स्टूडेंट रही हूँ और बट मीडिया से मुझे थोड़ा सक्सेस नहीं मिल पाई क्योंकि हर जगह से रिजेक्शन था, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो बहुत पतली थी और हर जगह से कि नहीं आप नहीं कर पाओगी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं अभी कुछ अच्छा करूँगी। तो उसी के बीच में मैं मुंबई गई और वहाँ पे एक्टिंग की, मूवी की, गाने किए। आज साउथ मूवी में मैं मूवीज़ कर रही हूँ, तो आज आपके साथ हूँ, राजनीति ज्वाइन की है 26 नवंबर को। तो ये मेरी जर्नी है। हमेशा देखा गया कोई सेलिब्रिटी होता है अपने आखिरी पड़ाव में राजनीति को ज्वाइन करता है। अभी आपका करियर बॉलीवुड में चढ़ाव के ऊपर है, फिर भी आपने राजनीति को चॉइस किया? हाँ, देखिए, क्योंकि मैं ना महिलाओं की इंस्पिरेशन बनना चाहती थी और मैं चाहती थी कि मेरे जैसी महिला जो बाहर नहीं निकल पाती है, क्योंकि मैं दलित समाज से आती हूँ और हमारे समाज में क्या होता है कि लड़कियों को कमज़ोर किया जाता है, उनके सपनों को चूर चूर किया जाता है। मेरे भी सपनों को चूर चूर किया था मेरे ही समाज ने, बट मैं उस चीज़ से लड़ी और मैं आगे बढ़ी, क्योंकि लोग जो देख रहे हैं मेरी रियल लाइफ देख रहे हैं, मेरी रियल लाइफ नहीं देख रहे हैं। तो मैं वही चाहती हूँ कि जो भी महिला आगे बढ़ना चाहती हैं, चाहे वो IAS की तैयारी करे, चाहे PCS की या और भी तैयारी जो करती आई, चाहे वो एक्टिंग की, चाहे वो सिंगिंग की, हर महिलाओं को अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए और एक लड़की है लड़ सकती है ये नारे के तौर पे उनको चलना चाहिए, क्योंकि महिला अपनी लड़ाई को खुद लड़े जिससे कि समाज उनकी रक्षा करे और समाज में वो आगे बढ़े। जिस तरीके से आपको ट्रोल किया जा रहा है, आपकी फिल्मी दुनिया से निकाली हुई पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं हिंदू महासभा के लोग, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उन लोगों को यही बोलती हूँ कि देखिए, उनको सिर्फ इतना बोलती हूँ कि देखिए, उनके घर में भी माँ है, उनके घर में भी बहन है, तो अगर वो मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं तो उनको हेमा मालिनी जी पे भी लांछन लगाने चाहिए, स्मृति ईरानी जी पे भी लांछन लगाने चाहिए, जय बच्चन जी पे भी लांछन लगाने चाहिए। मैंने कोई अनोखा काम नहीं किया है, उन्होंने भी एक्टिंग की थी, मैंने भी एक्टिंग की है, प्रियंका चोपड़ा ने भी मॉडलिंग की थी, इंडिया का प्रतिनिधित्व किया था, मैंने भी किया है, और जो मिस यूनिवर्स है हरनाज संधु जी, उन्होंने भी किया है, मैंने भी किया है, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं की है। चलिए, ठीक है। तो ये थी हमारे साथ में हस्तिनापुर से कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना गौतम, रिहान आलम, न्यूज वन इंडिया, मेरठ। चुनाव आयोग कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सतर्क है, तो वहीं 2022 विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे प्रत्याशियों को कड़े निर्देश भी जारी किए गए हैं कि कोई भी प्रत्याशी नुक्कड़ सभाएं नहीं करेगा और सभाओं में भीड़ को भी एकजुट नहीं किया जाएगा। मात्र एक गाड़ी में 4 लोगों के साथ प्रचार प्रसार की अनुमति होगी, लेकिन गलियों में मतदाताओं से डोर टू डोर अपील करते हुए प्रत्याशी वोट मांग सकते हैं। लेकिन जनपद मैनपुरी के भोगांव विधानसभा 108 से चुनाव मैदान में उतरे BJP के प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री चुनाव आयोग और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। आबकारी मंत्री क्षेत्र के ग्राम नगला शीशम में नुक्कड़ सभा करते हुए दिखाई दिया। नुक्कड़ सभा के दौरान ना तो मंत्री जी मास्क लगाए हुए थे और ना ही सभा में आए लोग। इसको लेकर जब मीडिया ने मंत्री जी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं बार बार लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने के लिए कहता हूं, लेकिन ये लोग नहीं मानते, आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा है विकास, 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 और दूसरा मुद्दा है प्रदेश की कानून व्यवस्था, अमन चैन शांति, गुंडों का सफाया, माफिया, अपराधी जेलों के अंदर, और प्रदेश में राम राज्य की स्थापना करने का काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। गरीबों को आवास मिल रहे हैं, गरीबों को गैस का कनेक्शन मिल रहा है, गरीबों को राशन मिल रहा है महीने में 2 बार, किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, बच्चों की पढ़ाई फ्री है, गरीबों की दवाई फ्री है, हर गांव में टंकी बनाने का काम, अब टोटी से पानी पहुंचाने का काम करेंगे, और मैंने अपनी विधानसभा में गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। खबर गोंडा से है। जिले में नगर कोतवाली अंतर्गत पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोरों के गिरोह का पर्दाफाश कर 2 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 चोरी की मोटरसाइकिल, 1 अवैध तमंचा, कारतूस व 1 चाकू बरामद किया है।
पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने खुलासा करते हुए बताया कि मोटरसाइकिल चोरी की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर अंतर जनपदीय वाहन चोरों के गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। जनवरी महीने में 2 मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसमें की FIR पंजीकृत कराया गया था 27/22 और 39/22। इन्हीं पे काम करने के लिए मेरे द्वारा कोतवाली नगर की टीम उनको लगाया गया था। इस पे काम करते हुए एक चोरों का गिरोह, मोटरसाइकिल चोरों के गिरोह को पकड़ लिया गया है। इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, मुकुल उर्फ सुशांत और रोहित यादव उर्फ नेपाली। इनके पास से टोटल 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और साथ ही साथ पहले चोरी हुई जो 2 मोटरसाइकिल जिन पर मुकदमा पंजीकृत था वो भी मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है, स्प्लेंडर और पल्सर। पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि इनके पास चाबियों का गुच्छा था, जो कि पुरानी जो मोटरसाइकिल हो जाती है उसमें वो डालते हैं, उससे वो मोटरसाइकिल आसानी से खुल जाता है और उसको लेके वो फरार हो जाते हैं या बेच देते हैं। ये लोग नंबर प्लेट चेंज करके, गाड़ी का नंबर चेंज करके इसको यूज करते थे एवं बेचने का भी काम करते थे। बरेली के बली गांव में वोट मांगने के दौरान गांव वालों ने मीरगंज से भाजपा विधायक का विरोध किया है। ग्रामीणों ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। क्षेत्र में विकास न होने से नाराज लोगों ने विधायक का बहिष्कार किया, जिसके बाद विधायक जी ने लोगों के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि अब की बार विकास जरूर होगा। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां जनपद के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र सिकंदरपुर कस्बे में रहस्यमयी ढंग से 12 वर्षीय नाबालिग कृष्णा सोनी का लापता होने से परिवार वालों ने उसकी अपहरण की आशंका जताई है। जानकारी के मुताबिक 20 जनवरी को शाम 7 बजे कृष्ण सोनी लापता हो गया है। परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन शाम तक उसका कहीं पता नहीं लगा। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जब पुलिस ने तुरंत खोजबीन शुरू कर दी। आज लगभग 3रा दिन पूरा होने जा रहा है लेकिन अभी तक कृष्ण सोनी का कोई भी सुराग नहीं मिला। परिजनों का इस दौरान रो रो कर बुरा हाल है। मेरा एक छोटा सा बच्चा 12 साल की उम्र का, उसका नाम है कृष्णा सोनी। तो दुकान से दुकान पर था करीब 7:45 था। उसके बाद से मैं आ गया घर, मुझे कुछ काम था। बोले पापा जी आप जाइए घर, हम दुकान बंद करके आ जा रहे हैं। उसके बाद से लगभग 5 या 7 बजे के आसपास दुकान बंद करके घर पे आ गया। घर आने के बाद चाबी दे दिया, हमारे वहाँ एक छोटा सा बालक रहता उसी को चाबी बालक ले करके घर के अंदर चला गया और चाबी अपना यहाँ यथास्थान रख दिया। ये बालक बाहर से ही अब पता नहीं किस व्यक्ति के साथ परिचित था या कैसा व्यक्ति था, किस मोटिवेट में था, अब उसको उस हिसाब से उस मोटिवेट करके जैसे भी गाड़ी पर बैठा करके और ले करके चले गए। और ये घटना करीब 7:15 के आसपास परसों 20 तारीख को शाम को। उसके बाद से उसके बच्चे का कोई पता नहीं है, कोई अता पता नहीं है कि वो बच्चा मेरा है हाँ, ये जो 20 तारीख को लगभग 19 बजे की बात है, एक कृष्णचंद का बच्चा जो है, कैलाश सोनी लगभग उम्र 12 वर्ष बताया जा रहा है, बताया कि ये दुकान बंद करके और घर पे चाबी दे करके कहीं चला गया है। उसी की तलाश में पुलिस लगी हुई है, जैसा कि कुछ लोगों से लोकेशन भी मिल रहा है कि यहाँ पर बाइक सवार ऐसे 2 आदमी आए और करके चले गए हैं। तो पुलिस उसी की छानबीन में है और जैसे ही ये लोकेशन मिलता है जल्दी से जल्दी इसको वर्कआउट किया जाए। औरैया जिले में हो रही बेमौसम बारिश से किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं, जहां किसान की सरसों की फसल एवं चने की फसल को बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। सरसों की खड़ी फसल गिरने की कगार पर है। गेहूं की फसल में जहां पानी पहले लग चुका है उनको भी अधिक पानी होने पर खराब होने के आसार है। किस किस फसल में लाह के लिए नुकसान है, चना के लिए नुकसान है, आलू के लिए नुकसान है, गेहूं के लिए तो जो भरे हैं उनके लिए नुकसान है, जो भरे नहीं उनके लिए तो फायदेमंद है। अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे भाजपा विधायक सुरेश पासी का क्षेत्र के लोगों ने विरोध करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। विरोध में नारे सुनते ही विधायक गाड़ी पर बैठकर निकल गए। वहीं घटना के बाद लोगों ने कहा कि सुरेश पासी विधायक बनने के लायक नहीं है, बीते 5 सालों में वर्तमान विधायक ने कोई काम नहीं कराया।
साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि हम भाजपा का समर्थन करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार के राज्य मंत्री सुरेश पासी, जो कि जगदीशपुर विधानसभा के विधायक हैं, उनका खुलकर विरोध करेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपनी तरफ से जोर आजमाइश में लगी हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। प्रत्याशी भी मैदान में खुलकर अब एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, जो दूसरी पार्टी के विधायक है। इसको लेकर भगवानपुर से बसपा प्रत्याशी सुबोध राकेश से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजीम ने। इस दौरान क्या कुछ कहा सुबोध राकेश ने, आप इस वीडियो में देखिए। भगवानपुर सीट, भगवानपुर विधानसभा इस टाइम बहुत हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी लगभग सभी ने अपने प्रत्याशी के नाम घोषित कर दिए हैं। भगवानपुर से बसपा प्रत्याशी सुबोध राकेश हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि अब चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं। सुबोध जी, बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी राज्यपाल को बनाया है, कांग्रेस ने ममता राकेश उम्मीदवार भी, क्या कहेंगे, किस तरह से चुनाव देख रहे हैं? देखिए, अगर बीजेपी प्रत्याशी की बात हम करें तो निश्चित रूप से मास्टर सत्यपाल जी ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको बरसाती मंडप की तरह, जिसको नेता को कहा जाता है ना, इस तरह की छवि उनकी जनता के बीच में। 2012 में चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी से, तो ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट दिया है। ये 10 साल का जो अंतराल है, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि कहीं क्षेत्र में सत्यपाल मास्टर जी दिखे नहीं। आज ये क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से ऐसे नेता को हजम नहीं करती है, जो जनता के बीच में नहीं रहते हैं, जो जनता के सुख दुख में शामिल नहीं होते हैं। आज की डेट में मैं जहाँ तक समझता हूँ, एक डमी कैंडिडेट की तरह उनको यहाँ पर उतारा गया है। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोज इस्तीफे देकर सुबोध राकेश का समर्थन कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका सुबोध राकेश ने 5 साल मेहनत करके उनका सहयोग किया, उनकी सेवा की, यहाँ पर व्यवस्था उन लोगों की बनाई। ऐसे तमाम साथी आज सुबोध राकेश के साथ खड़े हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का वजूद यहाँ पर खत्म हो गया है। यहाँ पर किसी तरह का सिस्टम आपको भविष्य में 2022 के विधानसभा चुनाव में उनका दिखाई नहीं देगा, और आने वाला समय आपके सामने है, साथ साथ सबको दिखाई देगा कि बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता व्यवस्था में रहे हैं, जिनके हमने काम कर सहयोग किए हैं, वो हमें सहयोग कर रहे हैं, हमें वोट रोजी है। क्षेत्र में एक माहौल बनाया जा रहा है कि यदि सुबोध राकेश को भगवानपुर की जनता चुनती है तो वो बीजेपी का साथ देंगे, बीजेपी के साथ जाना पसंद करेंगे, इसमें कितने सिक्के हैं? देखिए, तो राजनीतिक फंडे हैं लोगों के। सुबोध राकेश को अगर भारतीय जनता पार्टी में जाना होता तो वो वहाँ से छोड़ के नहीं आता। सुबोध राकेश भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से त्रस्त होके मेरे समाज के प्रति जो उनके पार्टी में सोच है, उस सोच को अपने साथ लेकर मैं आया हूँ। मैंने देखा है 5 साल के क्या स्थिति वहाँ पर मेरे समाज की नेताओं की है, इसलिए मैं उस सिस्टम को छोड़कर अपने घर में वापस आया हूँ। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ जो मात्र वोट लेने के लिए मुसलमानों को बरगला रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। हम अपने सम्मानित भगवानपुर विधानसभा के सर्व समाज के और सम्मानित सभी मुस्लिम समाज के साथियों से कहना चाहते हैं कि सुबोध राकेश, बहुजन समाज पार्टी मेरा राजनीतिक घर है, अपने घर में मैं आया हूँ, और अपने घर से कोई बाहर नहीं जाता है। सुबोध राकेश अपने घर में आया, अपने घर में रहेगा और जिंदगी भर इसी घर के माध्यम से, इसी राजनीतिक पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा करेगा। ये हमने प्रण लिया है और ये हम भविष्य में दिखाएंगे। आग्रह मेरा साथियों से है, सर्व समाज के लोगों से है कि किसी पार्टी की बातों में गलत बयानबाजी में ना आके एक सच्चे सेवक के साथ खड़े हों, व्यवस्था के साथ खड़े हों। हम आपके 24 घंटे सेवा देने वाले व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए सुबोध राकेश ने यहाँ के मुस्लिम समाज की बड़ी तादाद में सेवा की है, विकास कार्य किए हैं, सम्मान किया है। तो अब बहुजन समाज पार्टी में आने के बाद तो कोई सिस्टम ही, कोई संशय नहीं बचता है कि सुबोध राकेश सीधी सेवा उनकी पूरी तरह 24 घंटे करेगा, उनके विकास कार्य करेगा। योगी, यदि 2012 वाली स्थिति फंसती है, बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिलता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, तो बसपा कहाँ जाना पसंद करेगी? देखिए, ये निर्णय तो माननीय बहन जी के स्तर का है कि बसपा कहाँ जाना पसंद करेगी, लेकिन ये जरूर है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने कभी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं किया, और आने वाली व्यवस्था में भी ऐसा ही लग रहा है कि भविष्य में भी इसी प्रकार का सिस्टम रहे, आने वाली व्यवस्था भी इसी तरह हो। निर्णय माननीय बहन जी का होगा कि वो हमें कहाँ आदेश करेंगी, हमें कहाँ जाना है। निश्चित रूप से हम वहाँ पर जाएंगे जहाँ से बहन जी हमें आदेश करेगी, और हमें साफ दिख रहा है कि वो मंच भारतीय जनता पार्टी नहीं होगा। आखिरी सवाल, आज़ाद समाज पार्टी ने भी भगवानपुर में, अभी तक माना जाता है कि भगवानपुर में कैंडिडेट नहीं उतारा, लेकिन कल उन्होंने कैंडिडेट यहाँ पर उतारा।
क्या कहें। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, वैसे तो मुझे विश्वास इस तरह का था कि चंद्रशेखर जी और इस पार्टी के नेता जो आज अपने आप को समाज का सेवक बताते हैं, समाज का मसीहा बताते हैं, मेरी सोच इनके प्रति कुछ और सोच थी कि समाज को बढ़ाने वाली बात करेंगे, समाज के मजबूत नेताओं को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया करेंगे। लेकिन ये जो इन्होंने किया है, मुझे लगता है कि ये एक व्यक्तिगत सोच, अपने आप को अपने बनाने के लिए, अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए इनकी सोच रही है। ना इनका किसी समाज से कोई मतलब है, ना इनका किसी और व्यवस्था से कोई मतलब है। नहीं तो अगर इनकी सोच समाज के प्रति होती तो निश्चित रूप से आज इस हरिद्वार ज़िले में, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मेरा समाज अपने नेता के रूप में सुबोध राकेश को दिखता है और इन लोगों के पास भी वो सारी खबरें हैं, अगर समाज के प्रति इनका समर्पण होता तो आज सुबोध राकेश के सामने अपना प्रत्याशी न उतारते। लेकिन निश्चित रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ की जनता सुबोध राकेश के साथ है, मेरा समाज सुबोध राकेश के साथ है। 2017 में जिस नेता ने अपने समाज का भारतीय जनता पार्टी के मंच पर रहकर भी, जिस पार्टी को मेरे समाज ने कभी वोट नहीं दिया, उस पार्टी में रहकर भी 80% वोट लिया है, आज तो मैं उनके घर में हूँ, आज तो मैं अपने समाज की पार्टी में हूँ, मेरा समाज पूरी तरह से मेरे साथ खड़ा है। कुछ इक्का दुक्का आप लोगों को लोग मिलेंगे जो इनकी कांग्रेस की इनकी बात कर रहे हैं, वो कुछ भी के लोग हैं, लोग मुस्लिम समाज जो है एक तरफा कांग्रेस को जा रहे हैं, इसमें क्या है। देखिए कांग्रेस पार्टी के साथ कितना मुस्लिम समाज जा रहा है ये आप लोग धरातल पर देख रहे हैं, आप जा रहे हैं गाँव घूम रहे हैं। आज की डेट में इस वर्तमान विधायक जो कांग्रेस की है, यहाँ का मुस्लिम समाज उनकी कार्यशैली से पूरी तरह त्रस्त है, उनके काम नहीं हुए, उनका विकास नहीं हुआ, 5 साल उनको पूछा नहीं गया, इक्का दिक्का लोगों से कांटेक्ट करने के अलावा कोई मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं था जिसको ममता राकेश जी जानती हूँ। आज उनके खिलाफ इस क्षेत्र का सम्मानित मुस्लिम समाज खड़ा है और एक बड़ी संख्या में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जैसे मेरा आकलन है और आंकड़े बता रहे हैं, लोगों के रुझान बता रहे हैं, मेरे क्षेत्र के प्रत्येक गाँव से जो रुझान आ रहे हैं, आज की डेट में 50% मुसलमान सुबोध राकेश के साथ है। और ये जो आने वाला 20 दिन का सफर है, इसमें मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ उस 50% को 80% तक लेकर जाऊँगा और यहाँ पर मुस्लिम समाज का आशीर्वाद सुबोध राकेश के साथ पूरी तरह बन गया है, ये हम साबित करके इन लोगों को दिखाएंगे। ये मात्र वोट बैंक बनकर अब मुस्लिम समाज नहीं रहेगा, मुस्लिम समाज वहाँ जाएगा जहाँ उनको सम्मान मिलेगा, मुस्लिम समाज वहाँ जाएगा जो नेता उनका काम करेगा, जो व्यवस्था बनाएगा, जो उनके विकास करेगा, वहाँ मुस्लिम समाज जाएगा। आंख बंद करके अब मुस्लिम समाज पार्टियों के नाम पर वोट किसी को नहीं देगा, आंख बंद करके मुस्लिम समाज अब पार्टियों के नाम पर वोट नहीं देगा। भगवानपुर का मुस्लिम समाज सुबोध राकेश के साथ है और दलित समाज भी सुबोध राकेश के साथ है, ऐसा मानना है सुबोध राकेश का। ये आने वाली 14 फरवरी को पता चलेगा कि मुस्लिम समाज और दलित समाज और सर समाज किस ओर जाता है और 10 मार्च को किसको अपना विधायक बनाता है। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वन इंडिया, हरिद्वार, भगवान। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।